बस कुछ ही मिनट का खेल बाकी है, फिर गंगा की कहानी खत्म। गंगा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आज को नहीं टोको डॉक्टर साहब, आज को नहीं टोको। लेकिन गंगा तुम कमजोर हो, इतना सारा तनाव। पहली बार आपने मन की बात किसी से कह रही हो, आज मत टोको मत। बोलने दे इसे बोलने दे। तुमसे ज्यादा मन की पीर का घात सहमे जिस छोरी, बूझ हड़का करेगी तो जी हड़का हो जाएगा। हमारे सासरे वालों ने पता था कहीं को नहीं जाएगी चोरी, अपना कहने को था कौन मारा, वो कोई आवे को भी कोई इसीलिए मुझे दुख देने की कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे सासरे वालों ने। मुझे पता चला रतन सिंह पहले बिंदी है जो सब सहते सहते मर गए। जब बच्चा को नहीं जन सकी तो जीना तो मर कर दिया उसका, ऊपर लोग सिधारते ही दूसरी बिंदी ढूंढने लगे। लक्ष्मीगंज में कोई को नहीं राजी था अपनी चोरी ब्याने के लिए रतन सिंह से, तो बाहर निकल पड़ा बिंदनी बिंदनी खरीदने। हमारा लगन को नहीं हुआ रतन सिंह के साथ, सौदा हुआ। मेरे मामा मामी ने बेच दिया रतन सिंह के हाथों में। जे माना बड़ा छोड़ा बसंत यही सब काम संभाले। 50,000 आप अभी के अभी रख, गहना को कल से काम पे भेजने की जरूरत ना है। हमारी होने वाली बींदड़ी है, काम करो आप। जे 25,000 और रख लो। जब अपने सासरे आए इन लोगों का लज्जन देखा मैंने, मैंने आवाज भी उठाई थी। हर बार उठाई और बार बार उसका भर भी पाया। हमारे शरीर का एक एक निशान हमारे आवाज उठाने के नतीजा है। हंसना खेलना सब भूल गई मैं, उसने को जीना करता था। जैसे ही 16 साल की हुई मारे से बच्चा मांगना के साथ वैद्य जी ने बोला जोरी कमजोर है, बच्चा को नहीं जन सकेगी। लेकिन बंस के मुंह के आगे मारे जीवन की कई सोची हुई, जो हर महीने पता चलता कि मैं पेट से कोनी हूँ, आफत आ जाता हो। एक दिन किसी रिश्तेदार के ब्याह में सारे जने जान लगे। मैं खुश हो गई कि आज इतने बरसों बाद अकेली रहूंगी, आज भाग जाऊंगी इस घर से। मैंने को नहीं पता था कटे जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, लेकिन इस घर में को नहीं रहूं। अब को नहीं सहूं अत्याचार, अब चढ़ी जाऊंगी। वो दिन आया, लेकिन सारा सामान रख लिया, कुछ रह तो नहीं गया? सब रख लिया बापू, अब चलो जल्दी, बहुत दूर जाना है हमें। कोई देखने वाला ना है इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा दिन घर में पाँव पसार के सोती रहेगी। घर वापस आने पर अगर मेरे घर साफ ना दिखा तो थारी वो हालत करूंगी कि उम्र भर याद रखेगी तू। चलो, कल अब्बा जाना है। गंगा बिटिया, जब घर में आया ना तो तू मुझे बेहोश मिली। मैं भाग के गया और वैद्य जी को लेकर आया। कैसा लग रहा है तुम्हें? निकलना है मन, आज तो जाना है घर से। अरे संभाल के गंगा, अपना ध्यान रखने की और आराम करने की जरूरत है तुम्हें। माँ बनने वाली हो ना। हाँ गंगा, माँ बनने वाली हो। फिर रुक गई, इंतजार करने लगी सबका, कब सारे घर लौटेंगे, मुझे खबर सुनेंगे तो सारा जना खुश हो जाएंगे। बच्चा चाहिए था ना सबने, घर साफ किया मैंने, एक एक चीज चमकाई, सारे घर में हमारे भीतर की खुशी नजर आने लगी। मैं सच के दरवाजे पे खड़ी थी कि जब आवेंगे तो खबर सुन के हमारी कदर करेंगे, अब लाड़ लड़ावेंगे हमारी। लेकिन के जा पद्मा का सामान लेके भीतर जा। अरे ओ करमचली, मेहमानों वाले कमरे में ना जा, अपने कमरे में ले जा। हमारे कमरे में? हाँ, रतन की नई घरवाली है पद्मा। आज से यहीं रहेगी, रतन के साथ उसके कमरे में। तू जा मेहमानों वाले कमरे में। जा जाने माने कैसा हो है। मैंने जितनी पीड़ा जितनी ईश्वर किसी को भी नहीं दे। आएगी कारण था मारा छोरा मारा मन्नू। बिने पालू बिने बड़ा करो, एक अच्छो इंसान बनाओ जो वो इस परिवार में इन लोगों के बीच पड़े जे सोच के भी मारा काड़जा कांप जाता था। ऐसा कुड़ी होवे, मैंने सोच लिया कि मामा भाग जाऊंगी, मारे चोरे अपने साथ लेके मैं भाग जाऊंगी। मामा कितनी बार भागी लेकिन पकड़ी जाती, माँ हर बार पकड़ी जाती। मैंने अपने सासरे वालों की बातें सुन ली। गंगा का छोरे के साथ लगाव बढ़ता जा रहा है। आप चिंता ना करो बापू, इस बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दो। अरे फिर तो भेजना ही है इस गंगा को किसी न रखने। मैं समझ गई, मारे झोरे ने मारे से अलग कर देंगे वो लोग। मैंने सोच लिया मैं भाग जाऊंगी। अब क्या, मैंने डॉक्टर साहब की मदद भी मांगने की कोशिश की, मैंने मेरी बात को नहीं हो पाई। मैं भाग निकली वहां से, लेकिन मेरे भाग ने साथ को नहीं दिया मारा। पकड़ी के मारे चोरी ने ले गए वो लोग। मैंने मारे चोरी से अलग कर दिया। मैं अकेली रहेगी, अकेली रह गई, अकेली रह गई। गंगा, गंगा क्या हुआ तुम्हें? तेरी आंखें तो खोल। नर्स, डॉक्टर लाल सिंह को जल्दी बुलाइए, जल्दी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। मैंने तो अपना काम कर दिया। रतन सिंह जी से बात करके इनाम में जमीन वापस ले लूंगा अपनी। काका के हार्ट बीट रुक। नर्स, ऑक्सीजन। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो गंगा को बचा पाना मुश्किल था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट वेंट रॉन्ग। सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, स्पीडी रिकवरी थी, मैंने खुद ने देखा है। अंदरूनी कोई चोट भी नहीं है जिस कारण बेहोश हो जाए है। लेकिन अब देखो, अब ब्रीदिंग इज सो इरैटिक। किसी गलत दवा का रिएक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से ये किसी मेडिसिन का असर है। कोई दवा जैसे गंगा एलर्जिक है। तुमने कौन सी दवा दी गंगा को? जनरल मेडिसिन सी प्रिस्क्राइब। आपको ये दवा किसने दी? प्रिस्क्राइब तो किसी ने नहीं की जगह। बॉटल कहाँ से आई है? अब तक मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मैंने सहे, पर आज गंगा से मिलकर पता चला कि उसकी तकलीफ के सामने तो मेरा दर्द कुछ भी नहीं। उसका बच्चा वापस पाने के लिए उसे जो बन पड़ेगा करूंगी मैं। कोई अपने घर की बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? कलेक्टर साहब, आप मेरी मदद करेंगे ना? क्योंकि रतन सिंह जैसे रुतबेदार इंसान का विरोध सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गंगा की मदद किसी भी हाल में करूंगा। I'll make sure कि उसका बच्चा वापस मिल जाए, और साथ ही रतन सिंह और उसके परिवार को उनके किए की सजा। अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहम में इतना अंधा हो जाता है कि परिणाम की परवाह किए बिना सामने वाले के अरमान और चेतना को कुचल देना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है।